Hello students, today I will tell you about crystal field splitting in complexes. तो इसके लिए सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है उससे आइडेंटिफाई करना है whether that complex is forming octahedral field or tetrahedral field. Means it is all depend on the coordination number of complex. जैसे for example, अगर हम कोई एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स का लेते हैं, जैसे माना कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है, इसके साथ अगर आपका NH3 लिगेंड अटैच्ड है और एक चार्ज है 3 पॉजिटिव, और माना अगर कोई कॉम्प्लेक्स आपका दूसरा अगर फॉर्म हो रहा है, अगर निकिल का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है NiCl4 2 नेगेटिव, तो इट इज ऑल डिपेंड ऑन दिस. कोऑर्डिनेशन नंबर जो आपका है वो सजेस्ट करता है, अगर इफ कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6 वो ऑक्टाहेड्रल के लिए होगा, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो वो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए होगा. उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है आपका स्प्लिटिंग के लिए, वो ध्यान रखना होता है आपको कि उसमें जो अटैच्ड होते हैं लीगेंड्स, कभी कभी आप ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि जो लीगेंड्स एग्जैक्टली लगा है वो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वी कैन से स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो आपका यूज होती है यहां पर को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग में, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वो लीगेंड आपका वीक लीगेंड है या स्ट्रॉन्ग लीगेंड. तो टुडे आई एम गोइंग टू टेल द ट्रिक्स हाउ वी कैन इजिली आइडेंटिफाई द वेदर द लीगेंड इज स्ट्रॉन्ग लीगेंड और वीक लीगेंड ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज. स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करने के लिए ये ट्रिक है जिससे बहुत हेल्प आपको मिल सकती है. तो इसमें जैसे कोडिंग है हमने करी है, बहुत सिंपल सी ट्रिक है. इन बहारों से सचिन कल फूल नहीं उतरे, तो इसमें जो लीगेंड्स यूज हुए हैं अगर हम उसको देखेंगे तो एग्जैक्टली एकदम फिट, तो क्योंकि एक सेंटेंस है एक, तो उसमें एग्जैक्टली फिट नहीं होता है, वो हमें ध्यान रखना पड़ता है और प्रैक्टिस से आ जाता है. जैसे इन बहारों से सचिन कल फूल नहीं उतरे लिखा है, तो आई इसमें आयोडीन नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, S2 नेगेटिव है, HCN, तो ये एक तरीके से इसका सीक्वेंस भी है, ये स्पेक्ट्रोकेमिकल का सीक्वेंस है कुछ इस तरीके से. ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर पे है, ये लिगेंड्स जो अटैच्ड होंगे इस तरीके से हैं, और इन बिटवीन दीज ये लिगेंड्स आपके जो दो हैं ये आप वैसे याद रख लेना OH और H2O. तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में यहां तक के जो लिगेंड्स होते हैं वो कंसीडर होते हैं वीक लिगेंड्स. तो ट्रिक बहुत हेल्पफुल है आपकी, खाली आपको ये कोडिंग्स याद रखनी है, इन बहारों से सचिन कल फूल नहीं उतरे और उसकी स्पेलिंग, और उससे आपको आइडिया जाएगा कि वीक लिगेंड्स का जो सिंबल है या फॉर्मूला कौन सा है. अब ये लिगेंड्स आपके दो हो गए, अब इसके बाद जो हायर होंगे जो आपके स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स कंसिडर होते हैं उनके लिए आपका कोडिंग है, नशा हुआ गली में अमोनिया पीकर इनडेफिनिट. अब यहां पर को स्पेलिंग पे आप मत ध्यान दीजिए, जरा सा याद करने के लिए कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी है, तो ये स्पेलिंग में जरा सा लिटिल बिट टिपिकल, बट आप अगर प्रैक्टिस में रहेंगे तो आपको आ जाएगा. इट इज इनडेफिनिट फिनिट, तो इसमें आपके लिगेंड्स कवर हो जा रहे हैं सारे. तो इसमें क्या, नशा हुआ गली में AMM अमोनिया पीकर इनडेफिनिट, NCS ये हाइड्राइड है, एच नेगेटिव हाइड्राइड, ग्लाइसिन न्यूट्रल लिगेंड होता है, NH3 पिरिडीन भी न्यूट्रल लिगेंड होते हैं, और ये साइन कन्वेंशन अपने यूज कर रहे हैं, ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है, और यहाँ पर भी करा हुआ है. EN होता है एक बाइडेंटेड लिगेंड, इथाइलिन डायमाइन, डाइपिरिडीन DIPY, PHEN ये है आपका ऑर्थोफिनाइल ग्रुप यूज होता है, NIT स्टैंड फॉर नाइट्रो, उसका हमने फॉर्मूला लिख दिया, और लास्ट में आपके ये यहाँ पर को दो लिगेंड्स और रह गए हैं CN एंड CO, तो दोनों ही आपके स्ट्रॉन्ग लीगेंड होते हैं, CO इज कंसिडर एज स्ट्रॉन्गेस्ट लीगेंड. तो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रिक हाउ टू रिमेंबर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इन अ वेरी इजी मैनर. थैंक यू.